आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन हुई प्रभु, हम धन्य हुए प्रभु, किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु, मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है माँ के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं माँ की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं, उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उसे डांट खाना और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी मां के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा यशोदा आ जाएगो।
आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगा। बस 6 महीने का बालक है, अबूत है। हे नारायण, क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंची स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गया है, सुबह सुबह घर से भाग गया है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए, यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगो, कैसा होगो। कितना समय हो गया है, अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए, आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ, आनंद से खाओ, आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है, क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे। ना ना, आप खाओ। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा, तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे, लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आई। जाओ सीर जाओ। मेरे बच्चे को देखो है? ना, कहाँ है तू? देख तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तो फिर भाग गो, प्रतिदिन का काम हो गया है तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। जे संसार कितना भयानक है कछु मालूम है तुझे, दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। तो लक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने, जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाद के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता, जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगी फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लप लप आती है इसकी मेरे फूलों के लिए, सुबह सुबह भाग के आ जाता है इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा, तुम्हें कछु वहम हुआ है, जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगा भला। अच्छा, तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जब इसे धो जाएगा। रामू, मुंह खोल के दिखा। मैया की कही मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू, सुलक्षणा चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ, देख लो इसने कछु ना खाया है। हाँ, हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो।
सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रहा हूँ, देर हो रही। अरे अरे, यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्जर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है, यशोदा माँ है। प्रभु, माँ यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं उन्हें तो असाधारण होना ही है।